नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को नवरात्रि की अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जब हम लोग गुजरात के एक बहुत बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो अचानक मेरा ध्यान पड़ा कि वहां पर ऑटोमेटिक घंटियां लगाई हुई थी जो स्विच ऑन करने से घंटी खुद ब खुद बजती है। जब हम लोग अंदर गए तो हमने इलेक्ट्रिक वाले ढोल नगाड़े भी देखे जो स्विच ऑन करने से ऑटोमेटिक बजते हैं। काफी समय पहले अगर आपने देखा हो तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक रोबोट था जो गणपति बाप्पा की आरती उतार रहा था। लोग ऐसा मानते हैं, जो ये सो कॉल्ड जो ये मॉडर्न लोग हैं उनका ये मानना है कि हम टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये तरक्की नहीं, हिंदुओं के पतन और अधोगति की सबसे श्रेष्ठ अगर कोई उदाहरण इसको अगर बोल सकते हैं तो यही है। क्योंकि जो इंसान अपने धर्म को अपने आप से अलग कर देता है ना, वो इंसान अपनी पहचान खुद खो देते हैं। आज हम लोग रील्स में क्या देखते हैं, लड़कियां कुछ भी ट्रेंड पे नाच रही है या अश्लीलता फैला रही है, ये हमारी लड़कियों की बात हो रही है, हिंदुओं की लड़कियों की। जब से मैंने 15 दिन पहले अगर मैंने काफी 15 दिन में ये मार्क किया कि एक छोटी सी बच्ची है मुस्लिम लड़की की जो खेल रही होती है, वो उसने ऐसा रील बनाया है कि वो खेल रही होती है और अचानक से वो बंद हो जाती है खेलना। जब वो लड़का उससे पूछता है, उसके जितनी ही उम्र का जो लड़का था वो उसको पूछता है कि क्यों तूने खेलना बंद कर दिया, तब वो बोलती है कि यार हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन अजान की तो हम लोग है ना इज्जत कर सकते हैं, इसलिए हम लोग शांति से एक तरफ बैठ के इसको सुनेंगे। मतलब ये लोग अपने धर्म को किस तरीके से आगे बढ़ाना है ये इनके बच्चों को बहुत सही तरीके से आता है, एंड नथिंग इज रॉन्ग। ये मुझे बल्कि अच्छा लगा कि ये अपने धर्म को इतना महत्व दे रहे हैं। जबकि मैंने एक भी ऐसे हिंदू बच्चे का वीडियो नहीं देखा, जबकि हमारे शास्त्र में चैत्री नवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है और ये हिंदुओं का नया पर्व माना जाता है, नया साल हम इसको मानते हैं, तो भी मैंने किसी भी छोटे बच्चे का ये वीडियो नहीं देखा क्या नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, क्या है माता रानी की पूजा का जो भी इसमें विशेष महत्व है, मैंने कोई भी ऐसी रील नहीं देखी। लेकिन हमारी सो कॉल्ड पापा की परिया जो एक माँ बन जाती है, उसके बाद ये सो कॉल्ड मॉडर्न होने के चक्कर में वो अपनी बेटियों को सिखाती है, बेटा चलो कच्चा बादाम पे डांस करो, बेटा डूब गई मैं तेरे प्यार वाले ट्रेंड पे डांस करो। मतलब उन लोगों को अपने बच्चों को इसी तरीके से नाचने गाने के लिए इस्तेमाल करना है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये जितने भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वो मैं सिर्फ इसलिए बनाती हूँ ताकि मरे हुए और सोए हुए, मरे हुए वो हिंदू है जिन लोगों को तुम कुछ भी बोलो उन लोगों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सो कॉल्ड भाईचारे के चक्कर में उनका भविष्य बहुत ही सुरक्षित है। तो ये वीडियोस जो मैं बनाती हूँ वो हिंदू संस्कृति को जगाने के लिए बनाती हूँ, उन हिंदुओं के लिए बनाती हूँ जिनको लगता है कि लाइफ बहुत इजी है, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। आज अगर आपके बच्चे धर्म ना कभी कट्टरता नहीं सिखाते, एटलीस्ट मैं हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ, कभी धर्म ना कट्टरता नहीं सिखाता है। धर्म क्या सिखाता है? अपनापन सिखाता है, प्यार, करुणा, अपनी आत्मरक्षा करना सिखाता है, आत्मनिर्भर बनना सिखाता है अपना धर्म। तो भी आपके बच्चों को आप ना वीक में एक बारी मंदिर लेकर जाना चाहते हो, ना कभी वीक में एक दिन या दो दिन या एक घंटा उनके साथ बैठ के धर्म के कोई एग्जाम्पल देना या उनके साथ रामायण, महाभारत या भगवद गीता की बात करना, आपके खुद के पास टाइम नहीं है, या तो आप अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं कि आपको ये लगता है कि दुनिया बहुत ईजी और हमारे बच्चों का भविष्य बहुत ही सुरक्षित है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, जो इंसान अपने धर्म को नहीं बचा सकता और जिसको अपने धर्म की खुद की पहचान पर ही अगर शर्म आती है, आज बच्चों को मंदिर जाने में शर्म आती है, क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको वो संस्कार ही नहीं दिए है। आज बच्चों को मतलब ऐसा मंदिर क्या जाने का, अगर वो जाते भी है तो क्यों जाते हैं, चलो टाइम पास करके आते हैं। लड़कियां जीन्स और क्रॉप टॉप पहन के मंदिर में घूम रही है, ये सरासर मुझे लगता है कि आप अपमान करने के लिए जाते हो हमारी संस्कृति का, हमारी धार्मिक आस्थाओं का। इससे बेहतर है कि आप ना जाए, ना उनकी माएँ उनको टोकती है कि बेटा ढंग के कपड़े पहनो अगर तुम मंदिर जा रहे हो, एटलीस्ट चलो तुम्हें लगता है कि माथे पर सर पर दुपट्टा लेना या सर ढक के मंदिर में जाना, तुम्हें बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जिनको लगता है कि ये अनपढ़ गवारों वाली निशानियां है, लेकिन मैं उन लोगों को बताती हूँ कि आज मुस्लिम लड़कियां हैं ना बुरके पहनने के लिए आज अपनी फाइट कर रही है, जबकि तुम्हें सिर्फ दुपट्टा डालने में भी शर्म आती है। मतलब तुम खुद ही है ना अपनी अधोगति और पतन का खुद ही रीजन बन रहे हो। और मैं अभी भी बोलती हूँ,
चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, हमारा देश पुरुष प्रधान है। और मैं ये फालतू की चीज़ें नहीं बोलूँगी कि एक मॉडर्न लड़की को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बल्कि मैं ये मानती हूँ कि एक औरत हमेशा मर्यादा में अच्छी लगती है और एक औरत में वो ताकत है कि वो आने वाले अच्छे समाज को ना वो शेप दे सके। एटलीस्ट आपकी बच्चियों को इतना कॉन्फिडेंट बनाइए कि वो दूसरों को है ना गलत रास्ते जाते हुए रोके, नहीं कि खुद ही मतलब इंस्टाग्राम में चैट बॉक्स में जाकर किसी के साथ चैट करती है, भाग जाती है, फिर सूटकेस में पैक होके आ जाती है। आज तक आप लोगों ने अगर कोई रील अगर आप लोगों ने ऐसी देखी हो ये नवरात्रे के दरमियान कि किसी छोटे बच्चे ने उसकी माँ के कहने पर ऐसा वीडियो बनाया हो कि हम लोग नवरात्रे क्यों मनाते हैं, क्यों इसको हिंदुओं का नया साल बोला जाता है, क्या इसका महत्व है, किसी भी अगर बच्चे की अगर आप लोगों को ऐसी कोई भी वीडियो अगर मिल जाती है ना तो आप प्लीज़ मुझे वो लिंक पोस्ट करें, मैं उसके माँ बाप को सही में मिलना चाहूँगी। क्योंकि अब के आज के ज़माने में अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं और अपने मॉडर्न होने की ये जो तुम पिपूड़ी बजाते रहते हो ना वो तुम्हारे साथ है ना पूरे समाज को ले डूबोगे। क्योंकि आज माएँ बिजी है किटी पार्टियों में या जिम जाने में, फिट रहने में, ब्यूटीफुल हॉट सेक्सी लगने के चक्कर में, और अपनी बच्चियों को भी वो उसी रास्ते पर भेज रही है। बेटा हम लोग तो मॉडर्न लोग हैं, हम एकदम स्टाइलिश लोग हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये स्टाइल है ना आगे जाकर आपकी बेटी को किस राह पर ले जाएगा। इतना लाइफ इजी नहीं है जितना आप सपने वाली फेरी टेल वाली लाइफ जो समझते हो ना, अब इस देश में ना वो नहीं रहा है। क्योंकि अगर कोई कट्टर इंसान आपको मिल गया ना, किसी धर्म का कट्टर इंसान, ठीक है, तो आपके बच्चों में वो ताकत नहीं है कि उनके सामने आर्ग्यूमेंट तक कर सके। क्योंकि आपके बच्चे को बॉलीवुड के भांड सलमान खान और शाहरुख हकला कहाँ पैदा हुए ना वो आपके बच्चे को पता होगा, लेकिन उनको भगवान राम और अगर कृष्ण भगवान की कहानी पूछेंगे ना तो उनको मतलब कतई पता नहीं होगा। मतलब आप सोचो कितनी ये शर्म की बात है। लोगों को लगता है कि ये वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमको लाइक्स चाहिए। अरे भाई लाइक्स ही चाहिए होती ना तो रील्स पे है ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोग लेकर लाइक्स भी लेते हैं और अपने आप को सेलिब्रिटी भी प्रूव कर चुके हैं, लेकिन उस रास्ते हमें नहीं जाना है। हम हमारे जीवन के व्यस्त स्केड्यूल से अगर टाइम निकालते हैं ना सिर्फ हिंदुओं को जगाने के लिए, तो इसके पीछे है ना बहुत एक हमारा एक इरादा है कि इस देश को जो न्याय अभी तक नहीं मिला, जो हिंदुओं को न्याय नहीं मिला अभी तक, जो जगह हिंदू नहीं बना पाया इस देश में, अब हिंदू अपना हक मांग कर नहीं छीनना सीखे, इसलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार दें, एटलीस्ट अपने बच्चों के साथ बैठ के धर्म की बातें करें, उनको महत्व समझाएं कि कितना सनातन धर्म है हमारा, तब जाकर मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा और आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित महसूस करेगी, क्योंकि वो अपनी रक्षा खुद करना सीख जाएंगे जो आने वाले समय में बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।